नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस विषय पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते हैं हजारों टॉपिक्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, कई लोगों को तीखा खाना काफी पसंद होता है, तो कुछ लोग तीखे से परहेज करते हैं। मिर्च भले ही तीखी हो, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। इतना ही नहीं, छोटी सी दिखने वाली मिर्च सिर्फ सेहत के लिए वरदान है, बल्कि आपको कई सारी बीमारियों से भी निजात दिलाती है। यदि आप खाने के साथ ताजी और हरी मिर्च का सेवन करते हैं, तो यह विटामिन सी प्रदान करेगी। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग अपने खाने के वक्त सलाद के साथ हरी मिर्च का सेवन करते हैं। यदि आप मिर्च नहीं खाते हैं, तो धीरे धीरे इसकी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। आइए जानते हैं कि हरी मिर्च का प्रयोग किस तरह से करें कि आपको फायदा मिल सके। सबसे पहले आप फायदा ये देखें कि यह मोटापे को घटाते हैं। हरी मिर्च की सब्जी में डालकर खाने से ज्यादा भोजन के साथ खाने में ज्यादा फायदेमंद होती है। इसका नियमित प्रयोग करने पर आपका मोटापा घट जाता है, क्योंकि इससे मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट मोटापे को कंट्रोल रखता है और चर्बी बढ़ाने को रोकता है। मलेरिया के रोकथाम में ये कैसे फायदेमंद है? यदि आपको मलेरिया का बुखार हो गया है, तो हरी मिर्च आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इस दौरान आपको हरी मिर्च को खाना नहीं है, बल्कि हरी मिर्च के बीज निकाल कर 2 घंटे तक अंगूठे में बांध दे। इससे 2-3 बार बांधने से मलेरिया का बुखार आना बंद हो जाता है। हालांकि यह तरीका ज्यादातर लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है। यदि आप इससे कोई फायदा ना हो, तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगला है कैंसर की रोकथाम में। हरी मिर्च की डंडियां तोड़ने देने के बाद हरी मिर्च कई दिनों तक खराब नहीं होती है। हरी मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट नामक कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर की रोकथाम करते हैं। मिर्च में विटामिन सी होता है। एक ताजी हरी मिर्च एक नारंगी के बराबर होती है, इसलिए हमें खाने के साथ रोजाना इसका सेवन करना चाहिए। अगला है मूड को खुशनुमा बनाती है। यदि आप डिप्रेस या फिर आपका मूड अपसेट है, तो आप हरी मिर्च खाइए तो आपका मूड ठिकाने आ जाएगा। भले ही आप इसे मजाक में ले रहे हों, लेकिन यह बिल्कुल सच है, क्योंकि हरी मिर्च को मूड बूस्टर के रूप में जाना जाता है। यह मस्तिष्क में एंडोफिन का संचार करती है, जिससे कि हमारा मूड काफी हद तक खुशनुमा रहने में मदद करता है। जलने पर हरी मिर्च का कैसे इस्तेमाल करें, जरा देख लीजिए। आप भले ही यह सुनकर चौंक जाएं कि जलने पर मिर्च का इस्तेमाल कौन करता है, कौन पागल आदमी है ये जो सलाह देता है, लेकिन आयुर्वेदिक वैद्य मानते हैं कि यह एक बहुत ही कारगर उपाय है, क्योंकि मिर्च में ऐसे गुण होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता। हरी मिर्च पानी में डालकर पीस कर लेप बना लें, और यदि जले हुए हिस्से पर इसका लेप लगाएंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जलन को कम करता है और फफोले पड़ने से रोक देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, और मेरी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।